कोई आदमी कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है? क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि कोई आदमी प्रेग्नेंट भी हो सकता है? क्या ये सच में पॉसिबल है कि कोई आदमी प्रेग्नेंट हो सकता है? तो मैं कहूँगा हाँ, ऐसा ही हुआ है केरल में। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ये पॉसिबल कैसे हुआ। केरल के कोझिकोड में एक ट्रांसजेंडर कपल माता पिता बनने वाला है। पिछले 3 साल से साथ रह रहे जहाद और जिया पावल ने सोशल मीडिया पर बताया कि बच्चा मार्च में जन्म लेगा। देश में ये पहला ऐसा मामला है जहाँ एक ट्रांसजेंडर एक बच्चे को जन्म देगा। जिया पावल एक डांसर है, वो पहले मेल था और फीमेल ट्रांसजेंडर बना। जहाद एक लड़की थी और वो मेल ट्रांसजेंडर बनी। प्रेग्नेंट होने के लिए जहाद ने उस प्रोसेस को बंद कर दिया जिसके जरिए वो फीमेल से मेल में बदल रहे थे और उन दोनों ने खुद सोशल मीडिया पे बताया, हम माँ बनने के मेरे सपने और पिता बनने के मेरे पार्टनर के सपने को साकार करने वाले हैं। 8 महीने का भ्रूण, भ्रूण मींस होता है बच्चा जो कि माँ की कोख में पल रहा होता है, जो कि अब जहाद के पेट में है। और उन्होंने बताया कि मैं बर्थ से बॉडी से एक फीमेल नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर एक सपना था कि कोई मुझे माँ कहे। हमें एक साथ आए 3 साल हो चुके हैं। मेरे माँ बनने के सपने की तरह जहाद का पिता बनने का सपना है और आज 8 महीने की जिंदगी उसकी रजामंदी से उसके पेट में है। जब हमने साथ रहना शुरू किया तो हमने सोचा कि हमारी लाइफ बाकी के ट्रांसजेंडर से अलग होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली ट्रांसजेंडर कपल को समाज और उनके खुद के माँ बाप अपने से अलग कर देते हैं। हम एक बच्चा चाहते थे ताकि इस दुनिया में हमारे दिन खत्म होने के बाद भी हमारा कोई अपना हो। जब हमने बच्चे का फैसला लिया तब जहाद की ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी का प्रोसेस चल रहा था जिसे प्रेगनेंसी के लिए रोक दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस कपल ने पहले एक बच्चा गोद लेने की प्लानिंग की थी और बच्चा गोद लेने का क्या प्रोसेस होता है इस बारे में काफी पूछताछ की, लेकिन लीगल प्रोसेस काफी परेशानी वाला था क्योंकि वो एक ट्रांसजेंडर कपल है। इस वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा। जिया ने अपनी फैमिली और डॉक्टरों को उनके सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा थैंक्स बोला। जहाद बच्चे को जन्म देने के बाद मेल बनने के प्रोसेस को फिर से स्टार्ट करेंगे और जिया ने कहा हमें मेडिकल कॉलेज में ब्रेस्ट मिल्क बैंक से बच्चे के लिए दूध मिलने की उम्मीद है। इनके इंस्टाग्राम पोस्ट को हजारों लाइक्स और कमेंट मिले और लोगों ने इस ट्रांसजेंडर कपल को ढेर सारी बधाई दी। इंटरनेट यूजर ने दोनों को उनके फ्यूचर के लिए काफी सारी विशेष दी। लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, बधाई हो, ये सबसे खूबसूरत चीज है जिसे हमने आज इंस्टाग्राम पर देखा है। सच्चे प्यार की कोई सीमा नहीं है, आपको और शक्ति मिले। यार अगर दुनिया में सभी लोग ऐसे ही हो जाए तो दुनिया कितनी प्यारी होगी। तो दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और साथ साथ हम भी इनके अच्छे फ्यूचर के लिए दुआ करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज यार फॉलो कर लेना। बाकी मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।